हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू और ये हिंदी में होगा। इससे पहले इंग्लिश वाला जो टॉप 500 हिस्ट्री है वो अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं उस, या फिर आप हिंदी में इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ एक प्लेलिस्ट है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू इन इंग्लिश, ऐसे करके वहाँ पे सारा इसका पार्ट अपलोड है और ये जो भी पार्ट होगा अब हिंदी में आएगा। इसके अलावा जो साइंस का इंग्लिश वाला चल रहा है वो चलते रहेगा, अभी उसका 8 पार्ट अपलोड है और वो जैसे रेगुलर चल रहा है वो चलते रहेगा। बीच बीच में ये हिस्ट्री का हिंदी वाला आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामवेद को। देखिए हम लोग को पता है जैसा कि 4 वेद होता है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सामवेद जो है इसे कहा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप को बोला जाता है गोधन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड यदि आपको एमसीक्यू चाहिए तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहां पे एक सिंधु सभ्यता से रिलेटेड पूरा एकदम वीडियो ही बना हुआ है जिसमें लगभग 25 से 30 एमसीक्यू है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूरा डिटेल से उसमें समझाया गया है, आप वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए, ऊपर आई बटन में उसका लिंक है और वो हिंदी में ही है। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो ये जो है ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये है 18, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंध प्रांत में और ये पाकिस्तान में है, अभी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था प्रकृति, ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। और ये जितना भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, या तो SSC का है या फिर रेलवे का है या फिर UPSC, BPSC ये सब जो होता है उसका प्री का क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर से लिया गया है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखिए और जो लोग इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी अपलोड है, इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे आपको जीके का वीडियो मिलेगा। अगला है, भारत के राज चिन्ह में उपयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? तो ये था पशुपालन, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है सोहगोड़ा, ये जो है हड़प्पा स्थल नहीं है, इसके अलावा जो तीनों है ये हड़प्पा स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और आखिरी तीर्थंकर थे भगवान महावीर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आखिरी तीर्थंकर जो थे भगवान महावीर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इनसे रिलेटेड एक MCQ भी का वीडियो अपलोड है, आप लोग ऊपर आई बटन में देखिए, वहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड एक पूरा 20 MCQ का एक वीडियो है जो हिंदी में है, आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उसमें जैन धर्म से रिलेटेड सारा डिटेल्स दिया गया है, कब जन्म हुआ, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, कहाँ जन्म हुआ, ये सारा डिटेल्स है। अगला क्वेश्चन है,
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी सही। अगला है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये रंगपुर कहां पे स्थित है, तो ये सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र जो है ये गुजरात स्टेट में है, सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, तो घोड़ा गाय हाथी ये तो प्राप्त हुए, तो शेर का जो है अवशेष नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, मोहन जोद्रो का स्थानीय नाम है, तो मोहन जोद्रो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बारे में बोला जा रहा है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ये गया में हुआ था, फल्गु नदी के किनारे, और पहले उस नदी का नाम निरंजना नदी था, अभी उसका नाम फल्गु नदी है। और गया जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो एक पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुआ था। ऐसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको यदि सारा डिटेल्स जानना है तो ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक बौद्ध धर्म से हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो अपलोड है, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, उसमें सारा बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, तो वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा उस वीडियो में। और अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे जाके आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, और कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट करके वहाँ पे साइड में लैंग्वेज भी लिख दीजिए कि हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।